पैंथर्स पार्टी इंडिया के कारकुनान के जरिए आज पार्टी प्रधान हर्षदीप सिंह की सदारत में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई दफ्तर के बाहर जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हर्षदीप सिंह ने सहाफियों को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार फूड एंड सप्लाई महकमे के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। कई लोगों के राशन कार्ड बेवजह बंद कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि फूड एंड सप्लाई के असिस्टेंट डायरेक्टर कभी भी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं रहते हैं, जिस वजह से दूर दराज से आने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के काम में सुधार लाया जाए। बैठा लेते हैं, एक चपरासी को बैठा देते हैं और खुद वो लोगों का सामना नहीं करता असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई, क्योंकि इतनी धांधलियां की हुई है ना, इतनी धांधलियां की हुई है। जो बीपीएल की लिस्टें बनाई गई हैं, गरीबों के नाम काट दिए गए हैं और अपने चहेतों के ज़्यादातर नाम भरे गए हैं। मैंने दौरा किया बहुत सारे गाँव का, उधमपुर ज़िला के अलग अलग ब्लॉक्स का, हर जगह ये शिकायत आ रही है कि गरीब लोगों के नाम बीपीएल लिस्ट से काट दिए गए हैं। इन्होंने अपने घर का राज बनाया हुआ है यहाँ। मैं इनको चेताना चाहता हूँ आज यहाँ कि सुधर जाओ, ये धांधलियाँ बंद कर दो। अरे गरीबों का राशन लूट के किसी को पूरा पड़ी है क्या? गरीबों के साथ ये लूटपाट आप जो करते हैं, पेट फट जाएंगे आपके अपने आप ही।